जय श्री कृष्ण। ओमकार किचन में तमारू स्वागत है। आज आप बनावीशू रोटली पीज़ा। आ पिज़्ज़ा स्वाद में टेस्टी और क्रिस्पी बने। बाळकोने पिज़्ज़ा खावानी इच्छा थई होय त्यारे आ रीते बनावी आपी शको छो। तो चालो बनावनी शुरुआत करिए। रोटली पीज़ा बनाववा माटे आपणे अहीं बेसन लेवानुं छे। बेसन आपणे 1 कप लईशुं, मिक्सिंग बाउल में लई लईए। सौ प्रथम आपणे बेटर रेडी करवानुं छे। बेसन में स्वाद अनुसार मीठू एड करीशू। सारी रीते मिक्स करी लईशू। हवे आपणे बेटर बनावा माटे पाणी एड करवानुं छे। पाणी आपणे थोड़ू थोड़ू एड करीने मिक्स करता जशुं, लम्स न रहे ए कंसिस्टन्सी में आपणे बेटर बनावीने रेडी करवानुं छे। लास्ट में हूँ तमने कंसिस्टन्सी पण बतावी दऊं छूं। कंटीन्यू एक डायरेक्शन में हलावता जशुं अने जरूरियात प्रमाणे आपणे पाणी एड करता जवानुं छे। आपणुं बेटर रेडी थई गयुं छे। तमे कन्सिस्टन्सी जोई शको छो। हमणां आपणे उपरथी पाणी एड नथी करवानुं। बेटरने आपणे सेट थवा माटे एक तरफ मूकी देवानुं छे। बेटर सेट थाय त्यां सुधीमां आपणे ब्रेडने कटिंग करी लईशुं। ब्रेडना स्क्वेरमां कटिंग करवाना छे, तो आपणे मीडियम साइजना कटिंग करी लईए। आपणे ब्रेडने लांबी स्लाइसमां कटिंग करी लीधा छे। मारा नाना ब्रेड छे तो हूँ ए प्रमाणे टुकड़ा करीश। 3 स्लाइसमां ज कटिंग कर्या छे। हवे आड़ी पण आपणे 3 स्लाइसमां ज कटिंग करवाना छे अने स्क्वेरमां कटिंग करीशुं। તમે જોઈ શકો છો ખૂબ જ સરસ રીતે સ્ક્વેર બન્યો છે। તો એ જ રીતે આપણે 4 નંગ બ્રેડના ટુકડા કરી લેવાના છે। બ્રેડના સ્ક્વેરમાં ટુકડા થઈ ગયા છે। હવે આપણે બ્રેડને તળી લઈશું। બીજી તરફ આપણે તેલ ગરમ કરી લીધું છે। બ્રેડના ટુકડા આપણે તેલમાં એડ કરી લઈશું। ब्रेड खूब ज झड़पथी तेल एब्जॉर्ब करे छे। ब्रेडनो कलर चेन्ज थाय त्यां सुधी आपणे थवा दईशुं। ब्रेडनो कलर चेन्ज थई गयो छे। हवे ब्रेडने आपणे प्लेटमां करवाना छे। तमे जोई शको छो खूब ज सरस कलर आवी गयो छे अने आपणा ब्रेड थोड़ा सख्त थया छे, क्रिस्पी बन्या छे। तमे जोई शको छो अवाज पण खूब ज सरस आवी गयो छे। आपणे आ रीतना क्रिस्पी ब्रेड बनाववाना छे। प्लेटमां काढता जशुं। ब्रेडने ठंडा थवा दઈએ અને બીજી તરફ આપણું બેટર પણ ખૂબ જ સરસ એવું સેટ થઈ ગયું છે। તો બેટરમાં આપણે બાકીની સામગ્રીઓ એડ કરીશું। सामग्री में आपणे शाकभाजी एड करवानुं छे। शाकभाजी में सौ प्रथम आपणे खमणेलू गाजर एड करीशुं। गाजर मीडियम साइजनुं लीधुं छे। खमणेलो कांदो एक नंग। शाकभाजी तमे तमारा हिसाबे वधारे ओछो करी शको छो। नानो केप्सिकम लीधुं छे एक नंग अने बारीक समारीने लीधुं छे। बारीक समारेला टामेटा एक नंग। सारी रीते मिक्स करी लईए। आपणे पहला बेटर वधारे पड़तुं स्मूथ नथी राख्युं। शाकभाजी एड कर्युं छे तो शाकभाजी में कांदो, टामेटुं अने केप्सिकम में पाणीनुं प्रमाण होय छे। तो ए पाणीथी ज आपणुं बेटर परफेक्ट शेपमां आवी जशे, परफेक्ट कंसिस्टन्सी बनी जशे। सारी रीते मिक्स थई गयुं छे। तमे जोई शको छो कंसिस्टन्सी पण। तमारुं बेटर स्मूथ न होय तो तमे उपरथी पाणी एड करी शको छो अने वधारे पड़तुं स्मूथ थई गयुं होय तो उपरथी बेसन पण एड करी शको छो। शाकभाजी सारी रीते मिक्स थई गयुं छे। बेटरने फरीथी आपणे एक तरफ मूकी दઈએ अने हवे आपणे रोटलीनो लोट लेवानो छे। रेग्युलर लोट लीधो छे आपणे, घऊनो लोट अने लोटमां थोड़ुं मीठुं एड करीने लोट बांधीने तैयार करी लीधो छे। हवे आपणे मीडियम साइजनो लूवो बनावीने तैयार करी लईए। हवे आपणे रेग्युलर रोटली जे रीते वणता होय ए ज रीते वणीने तैयार करी लईशुं। वधारे जाडी पण नथी राखवानी अने वधारे पट्टी पतली पण नथी राखवानी, मीडियम साइजनी रोटली बनावीने तैयार करवानी छे। वणी लईए। आपणी रोटली बनाई गई छे, तमे थिकनेस पण जोई शको छो, वधारे जाडी पण नहीं, वधारे पातळी पण नहीं। हवे आपणे रोटलीने रोस्ट करी लईशुं। आपणी तवी गरम थई गई छे, रोटलीने तवी पर एड करी लईशुं अने गैसनी फ्लेम स्लो टू मीडियम करी लईए। एक तरफ थवा दईए। आपणे पलटावी पलटावीने रोटलीने रोस्ट करवानी छे, जरा पण काची न रहे ए रीते आपणे रोस्ट करीशुं। पलटावी लईशुं। बीजी तरफ पण थवा दईए। बीजी तरफ पलटावी लईए। तमे जोई शको छो उपरनी तरफ खूब ज सरस एवी रोस्ट थई गई छे। रोटली फूलवा पण लागी छे। हवे आपणे हलका हाथे आ रीते प्रेस करीने रोस्ट करी लईए। बीजी तरफ फरी पलटावी लईशुं। तमे जोई शको छो बॉर्डर आपणी रोस्ट करवानी बाकी छे, तो आपणे बॉर्डर पर आ रीते प्रेस करीने रोस्ट करी लईशुं। आपणी रोटली खूब ज सरस एवी रोस्ट थई गई छे। हवे आपणे गैसनी फ्लेम स्लो करी लईए। रोटलीने आपणे फरीथी पलटावीने नीचेनी तरफ बटर लगाववानुं छे। तमे जोई शको छो नीचेनी तरफ कलर खूब ज सरस आवी गयो छे अने थोड़ी क्रिस्पी पण बनी गई छे। बटरनी जग्याए तमे घीनो पण यूज करी शको छो। फरीथी पलटावीने उपरनी तरफ पण आपणे बटर लगावी लईशुं। बटर फैलाई लीधुं छे। टोमेटो सॉस स्प्रिंकल करीशुं। आ रीते पूरेपूरुं फैलावी लईए। तमने जरूरियात प्रमाणे वधारे ओछुं लई शको छो अने जो तमने टोमेटो सॉस पसंद न होय तो तमे टोमेटो सॉस स्कीप पण करी शको छो। हवे वेजिटेबलनु बेटर एड करीशुं। जरूरियात प्रमाणे लेवानुं छे। आ रीते फैलावता जशुं। पूरेपूरुं रोटली पर फैलावी लईए। दरेक तरफ एक सरखुं फैलाववानुं छे। ब्रेडना टुकड़ा एड करी लईए। आ रीते थोड़ू सेट करी लईशुं। पूरेपूरी रोटली पर आपणे आ रीते सेट करी देवाना छे। खूब ज सरस एवा क्रिस्पी बन्या छे, टेस्टमां पण खूब ज सरस लागे छे। आगळ आपणे रोटली पीझानी रेसिपी मूकी दीधी छे, तो ए रेसिपी पण खूब ज सरस छे। तमे ए पण बनावी शको छो अने आ पण बनावी शको छो। बाळकोने आ रीतना रोटली पीझा खूब ज पसंद आवशे। बंने रेसिपी अलग छे। उपरथी प्रोसेसिंग चीज खमणी लईशुं। तमारी पासे मोझरेला चीज होय तो तमे मोझरेला चीज पण एड करी शको छो। पूरेपूरुं खमणी लईए। एक क्यूब लीधी छे आपणे अने स्लाइस चीज पर एड करी सको छो। चीज खमणाई गई छे। ओरेगानो एड करीशुं। तीखास प्रमाणे तमे वधारे ओछो करी सको छो। थोड़ो मरी पाउडर एड करी लईए। हवे 2 થી 3 मिनिट ढांकण ढांकीने थवा दईशुं। 2 થી 3 मिनिट थई गई छे। प्लेट में काढ़ी लईशुं। आपणा रोटी पीझा बनीने तैयार थई गया छे। पीझा कटरनी मददथी कटिंग करी लईए। अमारी आ रेसिपी जोईने तमे पण घरे ज बनावो। सामग्रीओ बधी घरनी ज छे, रेग्युलर घरमां मळी रहे ए रीते छे। तो तमे घरनी सामग्रीथी ज पीझा बनावीने तैयार करी शको छो। खावामां खूब ज टेस्टी छे। आपणे चार पीस में कटिंग करी लीधो छे। तमे जोई शको छो नीचेनी तरफथी खूब ज सरस एवा क्रिस्पी बन्या छे। साथे आपणे टोमेटो सॉस सर्व करीशुं। जो तमने अमारी आ रोटी पीझानी रेसिपी पसंद आई हो तो अमारी रेसिपी ने लाइक अने शेर करो।